माननीय कानून मुर्दाबाद 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 विरोधी कानून मुर्दाबाद 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 किसान कानूनी विरोधी कानून मुर्दाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद कोणाचा शिवसेनेचा कोणाचा शिवसेनेचा तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान विरोधी कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी कानून वापस लो वापस लो आप सब मीडिया वालों का हम लोग तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए। बड़ी मीडिया तो नहीं आती है ये चैनलों के अंदर, एक दो जो चैनल है बड़े बड़े जो इंटरनेशनल चैनल है, NDTV है, ये है, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ, मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ। कहीं ना कहीं आप भी किसान है, हम भी किसान है, तो आप लोगों को ये ऐसी न्यूज को कवर करें, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर आप किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बोल। देखो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। देखो जो आज पेट्रोल और डीजल के रेट है ये गवर्नमेंट तय नहीं कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। आए दिन पहले ऐसा होता था कि बजट आता था उस टाइम पे डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता था, मगर तुम आज देखते आज कुछ रेट है कल दूसरा रेट है, हर दिन एक दो रुपया बढ़ रहे हैं। इन लोग महीने भर एक एक रुपया बढ़ाते और एक दिन खाली 2 रुपया कम करते, तो ये खाली पब्लिक के साथ खेला जा रहा है। तो उसी तरीके से ये अनाज का भी सेक्टर इन लोग प्राइवेट करके, जो आज गरीब तबके के लोग हैं वो जो 10 रुपए किलो चावल खा रहे वो भी चावल 100 रुपए कर देंगे, क्योंकि ये अडानी अंबानी के पेट इतने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े गोडाउन है कि इतने इन लोग स्टॉक करेंगे, तो आम आदमी इसमें भूखा मरेगा, इसमें और कुछ नहीं होने वाला है। मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार 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 हाय हाय शिव